हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। माय नेम इज हमजा शाह और आप देख रहे हैं फैशन इन्फ्लुएंसर। क्या चल, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं अपनी खुदी को जो है ना वो ब्लीच डाई करने लगो। पहले मैंने अपनी एक वाइट शर्ट को टाई डाई किया था, उसके बाद अभी मैं अपनी एक खुदिया लाइक डार्क ग्रीन कलर की, तो उससे मैं डाई करने वाला हूँ। इसमें सिंपली ये है कि उसमें कलर्स वगैरह चाहिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी। इसमें कोई सिंपली चीज़ें नहीं चाहिए, इसमें जस्ट एक ब्लीच चाहिए, वो आपके घर पे भी अवेलेबल हो सकती है, और बाकी सारा प्रोसेस वो ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी हुडी ये है मेरी डार्क ग्रीन कलर की हुडी, ओवर साइज दी है काफ़ी, मतलब है साइज की, लेकिन इसके बाजू काफ़ी लंबे हैं। तो इसको मैं जैसे कि दूसरी शर्ट में किया था, वैसे इसको पिंच करके रोल बना के, उसके बाद जो है क्या इसके रोल बनाने के बाद इसको दोबारा इसमें ब्लीच लगाऊंगा। ब्लीच लगाने के बाद क्या प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ, चलाएँ करते हैं। तो ये थी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हुडी, इसकी कैप को सेंटर में रख के ऐसे आर्म जिसकी ये, और सेंटर से पिंच करना जैसे दूसरी वीडियो में किया था, ऐसे पिंच करके इसको, उसके बाद ये वाली आर्म को इस साइड पे और इसको इस साइड पे, और अभी रबर बैंड लेके इसकी पार्टीशन करनी है जैसे दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था, ऐसे सिंपली इसकी पार्टीशन करके ये इसकी पार्टीशन करनी है, इसकी ऐसे पार्टीशन करनी है। पार्टीशन करने के बाद इस पे ब्लीच का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो मैंने बेसिकली इसको तीन पार्ट्स में कर दिया, बी ये आप देख सकते हैं, तीन पार्ट्स मैंने इसे किया, तीन पार्ट्स में करके अभी मैं आपको बताता हूँ ब्लीच कैसे बनानी है, ब्लीच का क्या प्रोसेस, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लीच को यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से ये होगा कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इस पे मैं अभी आपको बताता हूँ कि ब्लीच कैसे, आपने हाफ जो है ना हाफ, अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप तीन ही से ब्लीच ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा कलर नहीं लेना चाह रहे तो आप जो है एक हिस्सा पानी का और जो है वो तीन हिस्से जो है ना वो ब्लीच के यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं ब्लीच बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स के बाद, क्योंकि ये ब्लीच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी, जिससे आपके हाथ वगैरह भी ख़राब हो सकते हैं, स्मेल भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी है। तो पहले ग्लव्स पहनेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे हाथ ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद आपने, मैंने पानी इसमें ले ली है, पानी लेने के बाद ये ब्लीच है हमारे पास फेयर लिक्विड ब्लीच, जिसमें और उसमें पानी डालिए था, अभी ये बाकी ब्लीच डालने लगा मैं। ये भी मैंने फिल कर लिया, जितना मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें दो हिस्से पानी डाला है और साथ इसमें एक हिस्से दो हिस्से ब्लीच डाले। तो मैंने ये ब्लीच मिक्स कर लिया इसमें, अभी इसके पार्टीशन पे जैसे जैसे मुझे चाहिए था उस हिसाब से मैं इस पर ब्लीच गिराऊंगा, और इस तरह दूसरी साइड पे हमेशा आपने जब भी नीचे जैसे कि क्लीन है फर्श है उस पर डायरेक्ट नहीं करनी, उस पर एक ख़राब हो जाएगा नीचे वाली चीज़ें भी इस वजह से, और दूर रह के थोड़ा सा करना है। तो अभी मैं इस पर करने लगा यही प्रोसेस जो वो मैंने आपको बताया ब्लीच वाला। तो इस पर ऐसे करके आपने करना है जिस क्वान्टिटी से आपको चाहिए। तो ये मैं इस पर कर रहा हूँ फ्रंट साइड पर, बैक पर भी, दूसरी साइड पर भी आपने ऐसे ही करना है जैसे आपको चाहिए। तो पानी डाला है, इससे ये कि इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, तो आप इसे तीन से चार घंटे या उससे भी लेट तक इससे कर सकते हैं। तो ये भी मैंने इस पर आप देख सकते हैं ब्लीच मैंने भी फेंक किया, तो ये इस पर कलर आना शुरू हो गया, तो इट मीन्स डैट कि ये जल्दी से अपना कलर शो करेगी, और एक ये होगा कि इस पर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो उसके बाद आपने वैसे इसको डायरेक्ट नहीं पहनना, क्योंकि इसकी काफ़ी बुरी स्मेल है, तो आपको इरिटेट करेगी और आपकी स्किन को भी ख़राब कर सकती है। तो आप इसे वॉश करके उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसके नीचे भी चला गया होगा, तो इसी तरह इसकी दूसरी साइड पर भी करना है आपने। आप देख सकते हैं कि कैसे इस पर एक अच्छा सा कलर आ चुका है, जैसे वो था डार्क और ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन सा कलर है। तो इसे मैं तीन से चार घंटे रखूँगा, तो उसके बाद देखेंगे क्या कलर। इस तरह इसकी दूसरी साइड पे भी ये देखिए काफ़ी ज़्यादा कलर आ चुका है, तो दूसरी साइड पे भी इस तरह मैंने लगानी है, वो उस साइड से कलर हो गया है, मतलब कि पानी जो था ब्लीच ही आया इस साइड पे, तो
इस तरह ही आपने दूसरी साइड पे भी इसके गिरा के ब्लीच गिराना है, और उसके बाद फिर 3 से 4 घंटों के लिए रख देना अगर आपके कपड़े पे आपको ज़्यादा देर के लिए चाहिए, या जैसे भी कपड़े के हिसाब से, जैसे इसके ऊपर तो रखते साल ही आ गया, इसमें हम ब्लीच कराया तो कराते साल ही आ गए कलर इसमें, तो ये अब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद फिर दूसरे जो नीचे इसकी तहें हैं या जिस पे वो उस पे जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ी देर रखने वाला हूँ। तो आपने इसे इसी तरह साइडों पर भी इसके कुछ आपको स्क्रीज वगैरह चाहिए जैसे आर्म्स पे या ये, तो डॉट्स ड्रॉप्स वगैरह तो आप गिरा सकते हैं। मैंने इसी तरह इसकी साइडों पे भी ऐसे गिराया, गिरा के ये आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा कलर इस पे आ गया, इसकी दूसरी साइड पे भी आ गया हुआ है। बाकी इसका एक्चुअल कलर ना ख़त्म हो जाए तो इसकी वजह से बाकी जिस पे भी है इतने बहुत है। तो 3 से 4 घंटे मैं इसको रखूँगा, उसके बाद जो भी फाइनल होगा वो मैं आपको, फाइनल लुक होगा या जो भी होगा मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के बाद मैंने जब इसे खोला, खोल के फिर वाश किया, वाश करने के बाद ड्राई क्लीन किया, ड्राई क्लीन करने के बाद कुछ ऐसा लुक इसका आ रहा है। आप देख सकते हैं कि फ्रंट से इसके थोड़े थोड़े पैचेस जैसे मैंने चाहे थे, और आर्म्स काफ़ी ज़्यादा जैसे मेरे माइंड में था, जैसे मैंने सोचा था कैसे करना है, और ये इसकी ये भी, और इसकी कैप पे भी, बैक पे भी वैसे सेम टू सेम, क्योंकि इसका बैक जो मैंने सोचा था वैसे ही सेम मैंने किया है। तो अभी इसको मैं आपको पहन के दिखाता हूँ कि ये कैसी लगती है, और आप लोग भी इसे करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि नहीं प्यारी लगती है या नहीं, तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ पहन के। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैं ब्लीच डाई अपने कपड़ों को किया, हुडी को, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रही है जैसे कि आप देख सकते हैं आर्म्स पे और फ्रंट पे, बैक पे भी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।